आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में मैं पाकिस्तान और दुनिया में जो कोरोना वायरस से सूरत हाल है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये तबसरा करना चाहूँगा। और इस सिलसिले में मुझे गुजारिश ये करनी थी कि आजकल बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन करो और लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ और इस तरह की बातें, और पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे हैं वो क्यों आए और जो बाकी बैठे हुए हैं उनको वापस आने देना चाहिए या नहीं। जैसे ये 2-3 दिन पहले एक शोर मचा था कि बैंकॉक या थाईलैंड के किसी एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी आना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं उनको लाया जा रहा और वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। उसके मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इन्हीं दिनों एक अमीर आदमी शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आया, किसी ने कोई शोर नहीं मचाया, उसको आराम से आने दिया गया, उसके लिए स्पेशली तौर के ऊपर एयरपोर्ट खोला गया। जब गरीब आदमी आता है तो सारे एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं। ये जो बैंकॉक के एयरपोर्ट के ऊपर ये जो पाकिस्तानी फंसे हुए थे तो ये इनको क्यों नहीं आने देना? यानी गरीब आदमी इंसान नहीं है, अमीर आदमी इंसान है। अभी बिलावल चला जाएगा लंदन और वहां कोई नहीं पूछेगा उसे कि ये बाहर क्यों फेर रहा है और ये लंदन क्या लेने गया है, वहां से ये वापस आ जाएगा, कोई नहीं से पूछेगा कि यार तुम कैसे आ रहे हो, हम तो पाकिस्तान में किसी को आने ही नहीं दे रहे। यानी गरीब बंदे भी गालियां दे रहे थे उन बंदों को कि यार इन बैंकॉक वालों को या थाईलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर ये जो लोग फंसे हुए हैं इनको वापस नहीं आने देना। तो ये गरीब गरीब का खुद दुश्मन हुआ हुआ है। ये वाले गरीब जब शहबाज शरीफ आया है 2-4 दिन पहले एयरपोर्ट से, किसी ने उसे नहीं रोका, सारों ने उसे जहाज के ऊपर आने दिया, वहां से फ्लाइट पकड़ के यहाँ तक आ गया, किसी ने उसे रास्ते में नहीं रोका लंदन से। जब अमीर बंदे की मर्जी है वो जहाँ मर्जी जाए, वापस आके ऊपर उसने ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इतने बड़े लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे, उनको कोई कोरोना वायरस नहीं होना, किसी मीडिया ने शोर नहीं बजाया कि यार ये लोग इकट्ठे क्यों खड़े। तो इनसे अब पूछना चाहिए मीडिया वालों से कि यार इन लोगों ने तुम्हें लिफाफे दिए हैं इसलिए इनके ऊपर शोर नहीं बजा रहे। इमरान खान के ऊपर तो बहुत ज्यादा बोला जा रहा है कि ये लॉकडाउन क्यों नहीं करता, ये लोगों को आने से क्यों नहीं रोकता, इसने फलां को जाने क्यों नहीं क्यों दिया, इसने फलां को आने क्यों दिया, ताफ्तान से लोग क्यों आ गए, चीन से लोग क्यों आ गए, बैंकॉक से लोग नहीं आने चाहिए। यार ये लंदन से लोग आए जो अमीर लोग हैं, गरीब लोग ना कहीं ईरान से आ जाए या चीन से आ जाए। ये बातें आप लोग जब करते हैं, मीडिया पर सुनते हैं, जो आप लोग ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, आप लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जहालत फैली हुई है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं इंडिया की तरह, श्रीलंका की तरह, ये सारे सारे एरिया का ये हिसाब है, ये सोचना चाहिए। मैं तो शुक्र अदा कर रहा था कि यार इमरान खान की हुकूमत आई है, देखो इंसान आए लगते हैं पंजाब और KPK में, कि ये पंजाब और KPK में यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो नहीं आए जहाँ पर लोगों को पुलिस डंडे मार रही है, हैं? लोगों का जीना दो बार कर रही है, लोगों से बैठ के लगवा रही है, लोगों को कान पकड़वाए हुए हैं, जैसे इंडिया से वीडियोज आई हैं कि पुलिस लोगों को ठुड्डे मार रही है। तो ये पिछले 70 साल से पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की जो आज़ादी के बाद हालत है वो अभी भी थी। तो ये लोग शुक्र करते कि यार पंजाब और KPK में इंसानों की हुकूमत आ गई है, यहाँ पर पुलिस डंडे नहीं मार रही और जूते नहीं मार रही लोगों को, तो सिंध में भी मार रही है और इंडिया में भी मार रही है। लेकिन ये जो हमारा ये जो करप्ट मीडिया है, ये इंडिया और सिंध की बाकायदा मिसालें दे दे के समझा रहा था कि यार उधर तो लोगों को लॉकडाउन छोड़ो कर्फ्यू भी लग गया हुआ है, तो ये इमरान खान क्यों नहीं लगा रहा है? जब इंडिया और सिंध में लोगों को जूते मार रही है पुलिस आम लोगों को, तो ये पंजाब और KPK में क्यों नहीं लोगों को जूते लग रहे? इन लोगों को, ये जो मीडिया के करप्ट लोग है ना, करप्ट माइंड है, इनको परेशानी बेसिकली ये है कि यहाँ पर ये जो पंजाब और ये जो KPK है, यहाँ पर कैसे 70 साल बाद इंसानों की हुकूमत आ गई? कि इंडिया वालों की भी किस्मत नहीं बदली और सिंध वालों की भी किस्मत नहीं बदली। मुझे हैरानी आती है कि जिस तरह लोग गरीब है पाकिस्तान में, उनको सिंध वालों ने, लोग समझ लें कि ये जो लॉकडाउन और ये जो कर्फ्यू होता है इसमें बेसिकली ये फर्क होता है कि लॉकडाउन में जैसे पंजाब में स्कूल बंद कर दिए, खाने पीने वाली चीज़ें बंद कर दी, चिड़ियाघर बंद कर दिए, सैर व सियाहत वाली चीज़ें बंद कर दी, ये होता है। जबकि कर्फ्यू में ये होता है कि सड़कों के ऊपर भी लोगों की जो नकलो हरकत होती है इसको ब्लॉक किया जाता है। और पंजाब में मैंने देखा है कि पुलिस लोगों को नाके लगाए हुए हैं इन लोगों ने,
आ जा रही है, लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेसिकली बंद कर दी है, बाकी लोग आ जा रहे हैं, जबकि सिंध में लोगों को जीने ही नहीं दिया जा रहा। वहां पर कर्फ्यू वाली सिचुएशन है, बताया जा रहा है ये लॉकडाउन है। जो कर्फ्यू होता है उसमें सड़कों के ऊपर लोगों की नकलो हलचल जो सी होती है उसको ब्लॉक किया जाता है, वो सिंध में हो रहा है। पुलिस रेंजर्स फौज जूते मार मार के उनको वहां से भगा रही है कि चलो घरों में जाओ। इसी तरह इंडिया में भी यही हो रहा है, उनकी भी वो जो सिक्योरिटी वाले इदारे हैं पुलिस वगैरह, वो लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर वीडियो कि जूते मार रहे हैं लोगों को, कान पकड़ा पकड़ा के उनसे बैठ के लगवा रहे हैं। तो ये जो इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक ये जो मोदी की हुकूमत कर रहे हैं, या ये जो सिंध में पीपल पार्टी और मुराद अली शाह की हुकूमत कर रही है, ये नीट ये जो पाकिस्तान का करप्ट मीडिया वो परेशान है कि पंजाब और केपीके में इमरान खान ये क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर इंसान आ ही गया 70 साल बाद, लोगों को जूते नहीं पड़ रहे, तो ये मीडिया हमारा बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को कोई बहाना चाहिए इमरान खान के खिलाफ बातें करने का। मैं बेसिकली ये जोन साथ ये जो पाकिस्तानी मीडिया ना, इसकी मुझे ये बात समझ रही है कि ये जो काशिफ अब्बासी है वो भी हम लोगों को बता रहा है कि घरों में बैठो, ये जो मोहम्मद मालक है वो भी शोर मचा मचा के बता रहा है कि घरों में बैठो, नहीं तो इमरान खान इनको घरों में बैठाए जबरदस्ती। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग अपनी क्यों नहीं बात करते। ये जो मोहम्मद मालिक है ये क्यों नहीं कहता कि काशिफ अब्बासी को भी ये घर में बैठना चाहिए। जियो चल रहा है, ARY चल रहा है, और सारे के सारे 92 न्यूज चल रहा है, 24 चैनल 24 चल रहा है, दुनिया न्यूज चल रहा है, वो जो ये जो है क्या कहते हैं हबीब अकरम और वो जो अयाज अमीर, तो इनको कोरोना क्यों नहीं हो रहा। मैं हबीब बैंक जाऊं तो हबीब बैंक वालों को भी कोरोना हो जाएगा, मुझे भी कोरोना हो जाएगा, सारे बैंक बंद किए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे खाने पीने वाले जो बड़े बड़े स्टोर थे पब्लिक के, ग्रोसरी स्टोर पाकिस्तान में वो जो बड़े बड़े थे, पर जैसे मेट्रो है हाइपर स्टार है, ये सारे के सारे बंद किए हुए हैं इन लोगों ने, लेकिन जियो चल रहा। जो चीज बंद सबसे पहले होनी चाहिए थी, जिस मीडिया को सबसे पहले बंद किया जाना चाहिए था कि यार तुम लोग तो वेले लोग हो, तुम लोगों को कोरोना ना हो जाए तो तुम घर पे बैठो, तुम्हारा क्या काम है, बैंक में तो फिर लोगों का काम है, तो वो तो रिस्क लें। मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरा का पूरा मुल्क बंद कर दिया गया उसी मीडिया के कहने के ऊपर। मैं हैरान हूं ना कि जियो ने ये तो नहीं कहा कि ARY न्यूज को बंद करो, और ARY न्यूज ने ये नहीं कहा कि ये खबरें वो जो है दुनिया न्यूज इसको बंद करो। सारे न्यूज कास्टर उधर बैठे हुए हैं, एक दूसरे को न्यूज पकड़ा रहे हैं, कंप्यूटरों के ऊपर उनके लोग बैठे हुए हैं, कैमरा मैनों के ऊपर उनके कैमरा के ऊपर उनके लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को कोरोना नहीं हो रहा। ये आप और मुझे बताया, मुझको बताया जा रहा है कि हमें कोरोना हो जाएगा, कि ये कौन सा कोरोना है कि जो गरीब लोगों को, बैंकों में बैठे हुए लोगों को होता है, रेलवे में बैठे हुए लोगों को होता है, कचहरी में बैठे हुए लोगों को होता है, जो मीडिया वाले ये जो हैं करप्ट माइंड, इनको बस ये कोरोना नहीं होता, शायद कोरोना इनसे डरता। मुझे समझ नहीं आ रही कि काशिफ अब्बासी चीख चीख के बता रहा था कि लोगों को घरों में बंद करो, बंदा पूछे तू पहले जाके घरों में घर में बैठ, तू क्या लेने गया हुआ ARY न्यूज के ऊपर। चार चार पांच पांच बंदे ये लोग बैठ के आपस में और फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, टीवी के ऊपर और ये मीडिया के ऊपर लोगों का दिमाग खाया जा रहा है, लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनका क्या मकसद है, ये घरों में क्यों नहीं बैठते। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के ऊपर एक सेफ तरीके से कोई गवर्नमेंट का बंदा, इमरान खान या कोई और, जब भी पब्लिक को पैगाम देना चाहता है यूट्यूब के ऊपर जाए, लोगों को एक सेफ तरीके से पैगाम दे दे। ये मंडलियां लगा लगा के मैंने देखा, ये जो मुराजदी है मुराद अली शाह है सिंध में, इतने ज्यादा लोग इर्द गिर्द उसके जमा होते हैं और वो तकरीरें कर रहा होता है, उन लोगों को कोरोना नहीं हो रहा, हमें घरों में बैठे बैठे बताया जा रहा है कि तुम लोगों को कोरोना हो गया। मुझे समझाएं ना कि ये कौन सा कोरोना है कि पाकिस्तान के किसी भी करप्ट पॉलिटिशियन को ये नहीं हो रहा, किसी भी करप्ट मीडिया के एंकर को ये नहीं हो रहा, गरीब आवाम को इसने हो जाना। तो ये सिर्फ लोगों को वहम डाला जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों ने हॉस्पिटल में जाना है, लोगों ने चीजें खरीदने जाना है खाने पीने की, लोगों ने इलाज करवाने के लिए जाना है। पाकिस्तान में तो घरों में साफ पानी नहीं आता, बहुत सारे लोग तो फिल्टरिंग प्लांट के ऊपर, वो जो फिल्टर वाले प्लांट लगे हुए हैं पानी के, वहां पर पानी भरने जाते हैं, लोगों को तंग किया जा रहा। तो ये पंजाब में तो फिर भी ये सूरत हाल है कि ये सड़कों के ऊपर ये जो मोटरसाइकिल के ऊपर ये जो इन्होंने डबल सवारी की पाबंदी लगाई हुई है, तो लोग चलो एक बंदा ही जाके ले आता, तो सिंध में तो उनको भी रोका जा रहा। पाकिस्तान और इंडिया श्रीलंका ये जो एशिया के ये जो ममालक है, इनमें तो हॉस्पिटल वैसे ही कम है,
उन हॉस्पिटल्स को भी आप उनके सेक्शन बंद कर देंगे, रोडे ब्लॉक कर देंगे, गरीब आदमी उन हॉस्पिटल्स तक पहुंच ही ना सके, वो तो कोरोना की वजह वैसे ही मर जाएगा। पाकिस्तान में तो हॉस्पिटल वैसे ही कम है, और अब ऐसी सूरत हाल है, इन लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल, रिक्शे सारे सारे बंद किए हुए हैं। गरीब बंदे के पास अपनी सवारी नहीं है, वो मुझे बता दे उसने मियो अस्पताल जाना है, गंगाराम अस्पताल जाना है, किसी भी बड़े अस्पताल में जाना है, कैसे जाएगा? जो रिक्शा वाले हैं वो तो उनको लूट जाएंगे। रिक्शे वाले जब मोटरसाइकिल रिक्शे चल रहे होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही होती है, तब बंदे उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे मुल्क के गरीब आवाम। तो ये जो रिक्शे वाले अब तो उनको लूट लेंगे, वो तो 200 रुपया कहीं जाने का लेते थे पहले, तो वो अब 500 लेंगे। तो ये रिक्शे वालों के ऊपर वो जाएंगे गरीब आदमी, जब कोई अमीर होगा काशिफ बासी जैसा, मोहम्मद मालिक जैसा, वो तो चला जाएगा, उन लोगों के तो घरों में डॉक्टरों ने आ जाना। तो आप लोग उन लोगों की बातें सुन रहे हैं, ये फजूल बातें कर रहे हैं, इन लोगों की बातों के ऊपर कोई तवज्जा ना दें। ये लोग बेसिकली इमरान खान के खिलाफ हैं, उसको किसी ना किसी बहाने से तंग कर रहे हैं। तो ये इमरान खान नहीं, ये जो पंजाब और केपीके वाले हैं, तो उनकी जिंदगी अभी भी थोड़ी सी सुकून में है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि पंजाब और केपीके में बैठकर भी लोगों से सब्र नहीं हो रहा। और आप लोग सोचे हैं कि सिंध और इंडिया वालों की क्या हालत होगी, वहां पर मोदी ने उनको वो कर्फ्यू लगाया हुआ है, और ये लोग लोगों से इस मामले में भी झूठ बोल रहे हैं कि इंडिया और सिंध में कर्फ्यू लगाया हुआ है, और बताया जा रहा है कि लॉकडाउन हुआ हुआ है। जो लॉकडाउन है वो पंजाब और केपीके में है, बल्कि वहां पर भी हल्का सा कर्फ्यू है, क्योंकि वहां पर भी लोगों को हल्का सा, लोगों को रोड्स पर जाने से ब्लॉक किया जा रहा है। जैसे ये जो डबल सवारी की बंदी है, लोग फिर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन ये भी आधा कर्फ्यू तो ये भी है। लॉकडाउन पूरा है, सारी चीजें बंद है, लेकिन आधा कर्फ्यू तो ये भी है। लेकिन ये जो सिंध है वहां पर तो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन है, वहां पर कर्फ्यू है, लोगों को सड़कों पर आने से भी रोका जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, वैसे इंडिया में हो रहा है। तो शुक्र अदा करें कि पंजाब और केपीके में किसी इंसान की हुकूमत आई हुई है। ये जो ताफ्तान से ये जो गरीब आए थे उनका, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है और इसकी हुकूमत की कि बाहर से भी अगर कोई पाकिस्तानी, चाहे वो कोरोना का मरीज है या नहीं है, उसको पाकिस्तान में आने के लिए उसका सेफ पैसेज का बंदोबस्त करें, और अगर कोई कोरोना का मरीज भी है उसे भी पाकिस्तान में वापस लाया जाए, ये भी पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है। ये अमेरिका या ये दुबई की या ये चीन की जिम्मेदारी नहीं है, अगर कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ उसको कोरोना, ये पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो जो लोग भी इस चीज में मज़ामत दिखा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी किसी को क्यों वापस लाया गया, ये पाकिस्तानी ईरान से कैसे वापस आ गए, तो पाकिस्तानी ये जो है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर देखा, नीचे कमेंट सेक्शन में लोग मजामत कर रहे थे और बातें कर रहे थे कि ये जो थाईलैंड के बैंकॉक से किसी मुसाफिरों ने आना था उनको वापस ना आने दिया जाए। ये गरीब गरीब के दुश्मन हुए हैं अपनी जहालत की वजह से। वो लोग कुछ भी नहीं बोले जब शहबाज शरीफ वापस आया, सब लॉकडाउन था, कोरोना था, लोगों को गालियां पड़ रही थी, तो अफगानिस्तान से कैसे लोग वापस आ गए, पाकिस्तानियों को चीन से कैसे वापस आ गए। यार पाकिस्तानी लंदन से वापस आ सकते हैं, तो अफगानिस्तान, चीन और ये बैंकॉक से क्यों नहीं आ सकते? अपने दिमागों को थोड़ा सा हिलाएं। नकलें मार मार कर पास होने से कोई मसला नहीं हल होता होता, अगर पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में लोगों ने नकल की बजाय अपनी मेहनत से पढ़ाई की होती ना, तो कम से कम आधी पॉपुलेशन तो उनकी समझदार होती। जब सारी की सारी पॉपुलेशन ही नकलें मार मार के पास होगी ना, तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, जो भी कोई बताएगा मीडिया के ऊपर लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। ये इमरान खान ने लोगों को बहुत ज्यादा समझाया था कि लॉकडाउन से लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, और लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं, लोगों को सवारी नहीं मिल रही। जो गरीब बंदे हैं वो कई कई मील पैदल चल चल के काम करने जा रहे हैं, जो वो मोटरसाइकिल रिक्शों के ऊपर करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर करते थे। जिन लोगों के पास अपनी सवारियां, मोहम्मद मालक जैसे और काशिफ अब्बासी जैसे हैं, वो तो कहेंगे कि यार हमें तो कोई, हमारे तो घर में डॉक्टर आ जाते, तो लॉकडाउन हो, कर्फ्यू लगे, हमें क्या प्रॉब्लम, हमें है। इन लोगों की बातें बिल्कुल ना सुने। ये लोग, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे लेकर काम करते हैं। ये शहबाज शरीफ इतने सारे लोगों के जमघटे में खड़ा था, इन्होंने उसे कोई भी बात नहीं की कि यार ये दूसरे लोगों को कोरोना ना करवा दे, इसको खुद कोरोना ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पैसे लेकर काम करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान, इनके वो जो एड्स है ना, वो जो चैनलों को मिला करते हैं, वो खोले किसी तरह, और उस चक्कर में ये लोग पूरा का पूरा पाकिस्तान बंद करवा देंगे। तो इस चीज का हाल सिर्फ ये है कि इमरान खान मीडिया को तो सबसे पहले बंद कर दे,
आइंदा अगर कोई मीडिया एंकर इमरान खान को कहे ना कि यार यहाँ पर लॉकडाउन क्यों नहीं करते, तो इमरान खान को इसे कहना चाहिए कि यार आओ पहले तुम्हारा चैनल तो लॉकडाउन करूं। जैसे अभी बैंक बंद हो सकता है, नेशनल बैंक बंद हो सकता है, लाहौर कचहरी बंद हो सकती है, चिड़ियाघर बंद हो सकता है, तो जियो वालों को भी तो कोरोना हो सकता है ना, ये क्यों नहीं बंद किया? ये जो ARY न्यूज है इसको क्यों नहीं बंद किया? हजारों न्यूज कास्टर रोज दिन रात कपड़े पहन रहे हैं, उनको तो कोरोना नहीं हो रहा, और वह खबरों में हमें बता रहे हैं कि आपको कोरोना हो जाएगा। बंदा पूछे यार तुम्हें कोरोना नहीं हो रहा, हमें कैसे हो जाएगा? तो ये वहम से निकले, वे बिला वजह का डर और खौफ। इमरान खान ठीक कह रहा था कि खौफ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कोरोना से, और ये पाकिस्तानी मीडिया वो इमरान खान के खिलाफ है, वो और ज्यादा खौफ क्रिएट कर रहा। तो ये वाली बस मेरी छोटी सी गुजारिशात थी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखने का शुक्रिया।